कि गया में सेल्फ डिफेंस पर एक छात्रा के सवाल से झुंझुलाए कांग्रेस नेता राजेश लिठोटिया ने उसे घर बैठने की सलाह दे दी। बिहार में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को देखते हुए कांग्रेस ने वहां 1 लाख लड़कियों को मिर्ची स्प्रे बांटने की मुहिम शुरू की है। इसी मुहिम के तहत बिहार कांग्रेस के प्रभारी राजेश लिठोटिया गया पहुंचे और एक कार्यक्रम में मौजूद लड़कियों को छेड़छाड़ से बचने के लिए मिर्ची स्प्रे की अहमियत समझाने लगे। लेकिन तभी मंच पर पहुंची एक लड़की ने मुश्किल के वक्त में इस स्प्रे को इस्तेमाल करने पर ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने कांग्रेस नेता को मुश्किल में डाल दिया। अगर मुझे कोई छेड़ रहा है, मैं इसको स्प्रे करूं, पर जरूरी नहीं ना कि मेरे पास उतना टाइम हो कि मैं इसको स्प्रे कर पाऊं। लड़की यही नहीं रुकी, उसने सेल्फ डिफेंस को मिर्ची स्प्रे से बेहतर बता दिया। मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाया गया था कि वो ज्यादा बेटर रहेगा। लड़की के सवालों से झुंझलाकर कांग्रेस नेता राजेश लिठोटिया ने उसे घर बैठने की सलाह दे दी। लेकिन इसके बाद भी लड़की के सवालों का सिलसिला नहीं थमा और उसने छेड़छाड़ से बचने के लिए कांग्रेस की ओर से लॉन्च किए गए इंदिरा शक्ति मोबाइल ऐप पर भी सवाल उठा दिए। कांग्रेस ने मुश्किल के वक्त इस ऐप का बटन दबाने पर परिवार के 4 लोगों के पास मदद के लिए SMS और पीड़ित की लोकेशन पहुंचने का दावा किया। लेकिन कार्यक्रम के मंच पर पहुंची लड़की ने इस ऐप के जरिए मदद मिल पाने को भी मुश्किल बता दिया। जब मुझे कोई छेड़ रहा है तो घर वालों के पास फोन मतलब उनके हाथ में हो और मैसेज आएगा तो जरूरी नहीं ना कि वो पढ़े तुरंत। इस बार लड़की के सवाल से तिलमिलाए कांग्रेस नेता ने लड़कियों की क्षमता पर ही सवाल उठा दिए। आपको किसी को भूसा नहीं मारना क्योंकि आपके अंदर इतनी जान नहीं है कि 4 लड़कों को भूसा मार के लेटा दोगे। इसके बाद भी जब लड़की के सवालों का सिलसिला नहीं थमा तो कांग्रेस नेता ने उसे सेल्फ डिफेंस सीखने की नसीहत दे दी, वो भी अजीबोगरीब अंदाज में। पापा को बोलना कोई क्लास के अंदर आपको एडमिशन दिलवाए। हालांकि बाद में किरकिरी से बचने के लिए कांग्रेस नेता ने लड़की के सवालों की तारीफ भी की और उसे गुलदस्ता भेंट करते हुए मंच पर बैठने का न्योता भी दिया।